ATS, Montel, Canada. ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बायोमेट्रिक का इंडिया में बायोमेट्रिक काम नहीं करने वाला है From today onwards, कल से जो भी वीजा लगेंगी, उन वीजा लगने के बाद ही आप अपनी बायोमेट्रिक बुक कर पाएंगे जो पहले वाला सिस्टम था जिसमें आप अपनी बायोमेट्रिक एडवांस में बुक कर सकते थे लगाए बिना भी वो सिस्टम अब काम नहीं करेगा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल हैव टू सबिट योर वीजा एप्लीकेशन और उसके बाद जब बी आई एल आएगा उसके बाद ही आप अपनी बायोमेट्रिक बुक कर पाएंगे पहले वाले सिस्टम बहुत बेकार था उसके अंदर आ, कोई भी बोगस एप्लीकेशन डाल देता था दो या तीन बायोमेट्रिक बुक कर लेते थे बिना बी आई एल के भी बायोमेट्रिक बुक हो रही थी सो तो स्लोट और गेटिंग वेस्टेड तो इस दिस इज ए बेटर सिस्टम और इस सिस्टम में जल्दी बायोमेट्रिक भी मिलने की उम्मीद है जिन स्टूडेंट्स की भी बायोमेट्रिक अभी पेंडिंग है या जिनको स्लोट नहीं मिल रहे थे या जिनको खरीदने पड़ रहे थे तो ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे अभी सॉल्व हो जाएगी इसके अंदर आपको सिंपल गूगल वैसे ही सर्च करना है बुक कनेडा बायोमेट्रिक और आपको फर्स्ट वाला जो लिंक आएगा बुक बुक अपॉइंटमेंट ग्लोबल आप इस पे क्लिक करेंगे तो यू विल लैंड ऑन द पेज वी विलएफएस ग्लोबल के पेज पे, पे, पे आप आ जाएंगे इसमें नीचे स्क्रोल करना है आपको ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है उसमें क्लिक हेयर यहाँ पे आपको क्लिक करना है आफ्टर क्लिकिंग हेयर यू विल गो टू द नेक्स्ट पेज इस पेज में आपके पास ऊपर ही आपको दिखेगा वेब फॉर्म अपॉइंटमेंट विद वेबार्मेब फॉर्म वाला जो लिंक है आपको वेबफॉर्म वाले लिंक पे क्लिक करना है बायोमेट्रिक बुकिंग वेब फॉर्म जो ये वेबफॉर्म है इस वेब फॉर्म के अंदर सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है सिंपल ब्रॉडली चीजें ये है कि आपको जो बायोमेट्रिक की डेट मिलने वाली है उसका जो अपॉइंटमेंट का आपको लेटर मिलने वाला है वो लेटर आपको फाइव वर्किंग डेज के अंदर आने वाला है आप जो भी बायोमेट्रिक बुक करेंगे वो बायोमेट्रिक आप रिस्केड्यूल नहीं कर सकते अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए आप आ, आ, उसके लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कैंसलेशन नहीं कर सकते ये सब चीजें नहीं होने वाली है अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट देने के लिए टाइम से नहीं जाते हैं इन दैट केस आपको जो नेक्स्ट बायोमेट्रिक मिलेगी उसके लिए आपको फाइव डेज तक का वेट करना पड़ेगा उसके बाद आप रीलॉज कर सकते हैं रीअप्लाई कर सकते हैं बायोमेट्रिक की बुकिंग के लिए मैंने आज एक बायोमेट्रिक बुक करने की ट्राई की थी सिस्टम बहुत सिंपल है प्रोसीड uh, करना है आपको सेंटर सिलेक्ट करना है मैंने डेली सेंटर सेलेक्ट किया था उसके बाद आपको एप्लीकेंट के नंबर सेलेक्ट करने वन टू थ्री फोर सपोज स्टूडेंट के लिए स्टडी वीजा के लिए जा रहे हैं तो आपको एक सिलेक्ट करना है वहां पे उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके पास यहाँ पे ओ आने वाला है सपोज वन नंबर इज नाइन सेवन टू एट फाइव टू जीरो थ्री फोर सिक्स तो यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट आपको क्लिक करना है मोबाइल नंबर नंबर आपने डाल दिया है गेट एन ओटीपी आपके पास ओटीपी आएगा साथ साथ फाइव सिक्स नाइन थ्री अब यहाँ पे आप ये जो डिटेल्स हैं ये सारी डिटेल अपने आप फिल करने की जरूरत नहीं है आपको बी आई एल जैसे यहाँ आप अपलोड करेंगे अगर आप बी के अलावा कोई और फाइल अपलोड करने की ट्राई करेंगे तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे बी से ही ये यह अपनी यहां से आपकी ऑटोमेटिकली डिटेल यहाँ पिक कर लेगा तो आपको अपलोड करना है बी सपोज मेरे पास एक बी ऑलरेडी अवेलेबल है ओके सो मैंने ये बी यूज कर लिया है लेट्स ट्राई विदर बी आई एल देखते हैं इसको उठाता है क्या ओके सो

जतिन आपको सेव करना है एंड सबमिट दैट्स इट लास्ट में आपके पास यहाँ पे रेफरेंस नंबर आ जाएगा जो भी आपका रेफरेंस नंबर होगा इसी का इमिडिएटली आपके पास मैसेज भी आ जाएगा मोबाइल नंबर पे जो आपके पास मैसेज आएगा उस मैसेज के अंदर आ, सिर्फ वो कंफर्मेशन मैसेज होगा प्लस मुझे जो बायोमेट्रिक आई थी जब मैंने पहले अप्लाई किया था तो मुझे साथ साथ बायोमेट्रिक भी आ गई थी तो मुझे कंफर्मेशन भी आ गई थी ये कंफर्मेशन है जिसके अंदर मुझे राकेश मैनेजर से पहले डाला था तो उसके अंदर मुझे दिल्ली में फाइव डेज के बाद की अपॉइंटमेंट मिल गई थी इमिडिएटली तो पांच दिन नहीं लगे मुझे कंफर्मेशन uh, लेटर मिलने में या अपॉइंटमेंट लेटर मिलने में अपॉइंटमेंट मुझे साथ साथ ही मिल गई थी मुझे इसका वेट नहीं करना पड़ा तो मे भी क्योंकि ये सिस्टम अभी चला है ज्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया शायद इसीलिए जल्दी आ गया बट एट मैक्स फाइव डेज लगेंगे आपको अपॉइंटमेंट मिलने में तो जो पहले वाला सिस्टम है जिसके अंदर आपको अपॉइंटमेंट बहुत देर से मिल रही थी या पैसे देने पड़ रहे थे कहीं किसी को वो सब सिस्टम अब शायद आपको नहीं करना पड़ेगा इट्स बेटर क्योंकि यहाँ पे बोगस अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी जब आपका बी आएगा जो नॉर्मल सिस्टम होता है उसके बाद वेब फॉर्म रेज करना है

तो वी आर गेटिंग अपॉइंटमेंट तो आपको दूसरी सिटीज में भी अपॉइंटमेंट अपर्ण, मिली जानी चाहिए ओके, शेयर मच पॉसिबल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो